हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। आज की एनर्जी आपकी चेक करेंगे, ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहिए। पहले हम आपके कार्ड निकालेंगे, आपकी क्या एनर्जी है, फिर हम आपके पर्सन की कार्ड निकालेंगे। सेवन ऑफ वेंट्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले आपके पर्सन जो है ना, आपका बहुत ज्यादा दिल तोड़ते थे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब वो बात करते थे तभी आपको जो है टॉर्चर करते थे, आपको किसी तरह से झिड़क देते थे, आपकी बात को सुनते नहीं थे, नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन आजकल वो आपके प्यार में पागल है, प्यार में पागल हो गए हैं वो आपके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा आपको चाहने लगे हैं, आपके लिए उनके दिल में इतने ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पर्सन अभी आप के ऊपर जान छिड़कने को तैयार है, आपको दिलो जान से चाहने लगे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले तो फास्ट में आपका बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है उन्होंने, बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है, बात बात पे आपको बहुत टॉर्चर किया है उन्होंने, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज आप यही सोच रही हैं कि आज मेरा पार्टनर कैसे मुझ पर प्यार बरसा रहा है, आप ऐसा सोच रही हैं। हो सकता है कि उन्होंने कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज किया हो, या वो आपके पास ही हो तो वो आपसे प्यार भरी बातें कर रहे हो, ठीक है? या फिर वो नॉर्मल बातें कर रहे हो लेकिन आपको एहसास हो रहा हो कि ये पर्सन पहले से ज्यादा बदल गया है, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आपकी शादी से ही, आपकी शादी हुई तब से ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, चाहे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, चाहे अदर पर्सन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। लेकिन वहां से ये मूव ऑन कर रहा है, ये पर्सन एट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये वहां से मूव ऑन कर रहा है, अभी आपकी तरफ आ रहा है, इसका रुझान अभी आपकी तरफ बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन आपकी तरफ उनका रुझान हो रहा है, ठीक है? पहले तो ये आपको बहुत ज्यादा हो सकता है ब्लॉक भी कर देते हो, आपसे बातचीत भी नहीं करते हो, ठीक है? लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये विश मांग रहा है गॉड से, यूनिवर्स से, आपके लिए विश मांग रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये अभी आपकी तरफ इसका रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आपकी तरफ इसका प्यार बढ़ रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप भी जो है अपने पार्टनर की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, कि आपको भी अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार महसूस हो रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस, कि आपका समय बदल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है अभी, आपका समय बदल रहा है। इस पर्सन को रिग्रेट हो गया है, यानी कि आप जब भी उनसे बात करते थे तो आपका दिल तोड़ता था, आपको अभी उनसे बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है, क्योंकि आपका समय बदल रहा है, क्योंकि आपका भाग्य बदल रहा है, क्योंकि अभी आपके बुरे कर्मास पूरे हो गए हैं इसी वजह से। और ये पर्सन को भी रियलाइज हो गया है कि थर्ड पार्टी में मैंने अपने रह करके अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख दिया है। इस पर्सन को भी रियलाइज होगा कि थर्ड पार्टी में रह करके मैंने अपने पर्सन को बहुत ज्यादा दुख दिया है, इसी वजह से इसको रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा आज से ज्यादा रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को अभी आपके लिए, कि ये कह रहे कि बार बार मैंने आपकी लाइफ में टावर लेकर आया हूं, मैं बार बार आपकी लाइफ में टावर आया है, पता नहीं कितनी बार आया होगा, इसने अपने आप को क्लोज कर लिया था, या हो सकता है कि आपने भी अपने आप को क्लोज कर लिया हो और एक दूसरे के लिए ओपन अप ही नहीं हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी आपके लिए खुलने लगा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपकी तरफ जो है ये आना चाहता है। अभी आपके लिए कार्ड निकालते हैं। स्ट्रेंथ के साथ में ये बढ़ना चाहता है और आप भी स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन जो है आपसे बातचीत करना चाहता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि ये आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, या तो जो है ये कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है, या कम्युनिकेशन किसी और तरह से भी आ सकता है, यानी कि पर्सनली भी आ सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है? तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ में अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहते हैं, वो अपनी शादी को जो है एक नाम देना चाहते, जो अभी तक वो दूर भाग रहे थे, शादी आपकी शादी हुई तब से ही दूर भाग रहे थे, लेकिन वो अभी इसको आगे ले जाना चाहते हैं, इस मैरिड लाइफ में आगे जो है इसकी ग्रोथ देखना चाहते हैं। ये आपके प्रति बहुत ज्यादा जो है डेडिकेटेड हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कोई आप लीडरशिप रोल में भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप
कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे हैं, आपके कंधों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, आपकी फैमिली की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है आप कोई जॉब करियर में भी आगे बढ़ रहे हो, इसकी वजह से भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, अपनी फैमिली से भी बात कर रहा है आपको लेकर के, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अपने अंदर भी झांक रहा है, कहीं ना कहीं इसको रियलाइज भी हो गया है कि मैंने बहुत बुरा किया अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आपके साथ में एक लिए हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, क्योंकि काफी टाइम से ये सोच रहा था कि आपको देख रहा था, आपको जज कर रहा था कि ये मेरा पार्टनर मेरे लिए कंपेटेबल है कि नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनके माइंड में बहुत ज्यादा जो है उल्टी सीधी बातें भर रखी थी कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, इसका करेक्टर अच्छा नहीं है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, ये ट्रस्ट के लायक बंदा नहीं है, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, आपके फाइनेंस को बर्बाद कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, इस तरह से जो है इनके फैमिली ने इनके माइंड में डाल रखे थे। तो ये पर्सन काफी टाइम से आपको जज कर रहा था, और काफी टाइम भी क्या, किसी किसी को तो बहुत बहुत साल हो गए हैं, इस पर्सन ने आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, और मुड़कर देखा तो लड़ाई झगड़ा किया इस पर्सन ने, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी समय बदल रहा है, हो सकता है कि वो आप लोगों के कर्माज हो, यहाँ पर अभी समय बदल रहा है और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके लिए मैं निकालूं तो आपने भी अपने हर्ट को क्लोज कर लिया, आप भी ओपन अप नहीं होते अब उनके लिए, ठीक है, आप भी बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई वर्क फ्रॉम होम करते हो, कोई जॉब करियर में बिजी हो, अपने बच्चों को संभालना, अपने घर को संभालना, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये पर्सन आपके साथ में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपके साथ में आना चाहता है, उसकी इंट्यूशन बता रही है, और ये अभी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एम्परर के रूप में आपके साइड में आना चाहता है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है गाइस, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। आप इस पर्सन के साइन बताना चाहो तो यहाँ पर तो सारे ही कार्ड है, अब कुछ मेरे व्यूअर्स कह देते हैं कि आप साइन नहीं बताते हैं, अब ये बताइए कि इतने सारे कार्ड में क्या आपके पर्सन के साइन नहीं आए? देखिए मैं बताती हूँ, अब आपको विश्वास नहीं होगा, ये है स्वॉर्ड्स का कार्ड। स्वॉर्ड्स का कार्ड किसको दिखाता है? जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस को, ठीक है, जिसको नहीं पता है मैं बता रही हूँ, आप अपने आप भी किसी के उसमें जाकर के देख सकते हैं। स्वॉर्ड्स का कार्ड है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस को, तो आपके पर्सन इनमें से कोई भी हो सकते हैं। वर्गो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स मतलब फाइनेंस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, इस तरह से, तो ये जो है पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तीनों में से कोई भी आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेंट्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आपके पर्सन एरीज भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर है कप का कार्ड, कप का कार्ड होता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यानी कि आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। और बताओ आप मुझे कि कौन सा कार्ड नहीं है, 12 की 12 राशियां आप मुझे बताइए कौन सी राशि नहीं है। अब आप मेरी व्यूवर्स इतने ज्यादा चैनल्स पर देखती हैं, फिर भी आज तक आपको ये नहीं पता चला कि कलेक्टिव रीडिंग्स जो होती है ना, उसमें सारे साइन आते हैं, हम पीके कार्ड करते हैं उसमें भी साइन आते हैं, लेकिन हम आपको तसल्ली देने के लिए कह देते कि ये आपके इनिशियल हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये है, इसमें एनर्जी पीक होती है, एनर्जी के लिए तो आपके लिए कोई भी कार्ड निकले वो कार्ड मायने नहीं रखता कि किस राशि का है, ठीक है, समझ में आया कि आपको एनर्जी पढ़नी है, एनर्जी रीड करनी है आपको, और कुछ नहीं देखना है इसमें, हम कोई एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी देख रहे कि डेट ऑफ बर्थ चाहिए उसमें, ये चाहिए वो चाहिए, फिर भी आप पागलों की तरह से कहते हैं पीके कार्ड बनाइए, फलाना करिए, इसमें एनर्जी आपको मैच होती है कि नहीं होती वो देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, रोमांस एंजल क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर आपको अपने आप से प्यार करना है, क्योंकि मैंने मैसेज निकाला था, आपको अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप से प्यार करना है, इसीलिए ये निकला है। यहाँ पर देखिए रिट्रीट, आपको इस टाइम जो है दूसरों से दूर रहना है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ बोलेंगे आपको, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा आपको, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के, यानी कि आपके कनेक्शन को लेकर के, किसी के बारे में ऐसे कह सकते हैं, ठीक है,
कोई अगर आपको ये बोले कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ये पर्सन आपको ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, अभी आपको सबसे दूर रहना है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। यू डिजर्व लव, आप प्यार डिजर्व करते हैं इसलिए आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन आपकी लव लाइफ जो है आपके बच्चों से इफेक्ट कर रही है ज्यादा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिए थोड़ा सा, और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।